भुआ पीलू यानी हैरी कैटरपिलर एक ऐसा खतरनाक कीड़ा है कि रातों रात पूरे खेत को सफाचट कर जाता है। ये इतना स्पीड से खाते हैं कि पौधे में पत्ते ही नहीं बचता। ये कीड़ा मूंगफली, लोबिया और चना की खेती को तहस नहस कर देता है। इसके अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, तिल जैसे फसल में ये अक्सर देखे जाते हैं। कई बार ये ढेंचा के पौधे में भी देखा जाता है और खरपतवार जैसे लेंटाना को ये बड़े शौक से खाते हैं। इस पीलू की मौत सफेद रंग का होता है जिसमें काला काला स्पॉट रहता है, जो मई जून और अगस्त सितंबर महीने में मिट्टी में कुकून से बाहर आते हैं, जो लगभग 5 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है। एक मौत लगभग 600 से 700 अंडे देते हैं, जो 3 से 5 दिन में पीलू बनते हैं। 30 से 40 दिन तक ये पीलू लार्वा स्टेज में रहता है, जब ये फसल में सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। लार्वा स्टेज के बाद ये पीलू मिट्टी के लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर नीचे पीपा स्टेज में चले जाते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए जमीन की गहरी जुताई बहुत जरूरी है, ताकि जमीन में रहने वाले इनके पीपा पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इसके अलावा फसल लगाने के 20 दिन बाद प्रति एकड़ 4 से 5 लाइट ट्रैप लगाने से इस कीड़े का मौत को खत्म किया जा सकता है। जैविक तरीके से इसको कंट्रोल करने के लिए आग्नेयास्त्र जैविक कीटनाशक 15 से 20 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से काफी हद तक ये कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा अटैक होने पर केमिकली इसको कंट्रोल करने के लिए छोटे अवस्था में प्रोफेक्स ऊपर 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। बड़े अवस्था में इस कीड़े को रोकथाम करने के लिए बायर का डेसिस 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से एक दिन में ही इसका रोकथाम हो जाता है। इसके अलावा ज्यादा दिन तक इसके रोकथाम के लिए FMC का कोराजेन 0.4 ml प्रति लीटर या फिर सिंजेंटा का एम्प्लीगो जो 0.5 ml प्रति लीटर में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, जिसमें इस समस्या से पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।